नमस्कार दोस्तों, तैयारी गवर्नमेंट जॉब की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बहुत ही बड़ी नोटिफिकेशन के साथ आपके सामने आया हूँ, जिसमें एसएससी ने रात को ही ये न्यूज़ रिलीज की है। ये बहुत ही अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो एसएससी स्टेनोग्राफर 2017 का रिटर्न क्वालिफाई कर गए हैं और स्किल टेस्ट देने के लिए जाने वाले हैं। दोस्तों, हाँ, उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। जो एसएससी स्टेनोग्राफर 2017 में अभी तक जो वैकेंसी टेंडरी वैकेंसी एसएससी ने रिलीज की थी वो 350 के आसपास था, बट अभी वैकेंसी बढ़कर 1250 से 1300 के आसपास वैकेंसी हो गई है। दोस्तों, जी हाँ, बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूँ। आज मैं इससे रिलेटेड वैकेंसीज के बारे में बताने वाला हूँ और डिटेल नोटिफिकेशन जो एसएससी ने रिलीज किया है वो भी आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और हाँ, इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी घर बैठे अपने सारे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी घर बैठे कर सके, और जो भी नए नए नोटिफिकेशन गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वो आते हैं वो आपको घर बैठे इजली इस चैनल के माध्यम से मिल जाए। तो चलिए बिना देरी के आगे बढ़ते हैं एसएससी ने जो वैकेंसी इंक्रीज की है उसके बारे में। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना, एसएससी स्टेनोग्राफर 2017 की वैकेंसी 350 लगभग के आसपास थी, वो अब बढ़कर आपको बहुत ही ज़्यादा हो गई है। इसमें एसएससी ने जल्द कल रात को ही नोटिफिकेशन दिया है, जिसमें ग्रेड डी के लिए उन्होंने 300 से 1276 पोस्ट किया है और ग्रेड सी के लिए जो वैकेंसी 39 थी वो 429 हो गया है। मतलब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी आ गई स्टेनोग्राफर में। तो जो लोग अभी स्किल टेस्ट के लिए जाने वाले हैं उन लोगों के लिए बहुत ही खुशखबरी है, वो अच्छे से प्रिपेयर करें और अच्छे से कॉन्फिडेंट होकर जाएं। तो जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, एसएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट दिए गए हैं। जैसे कोल डिपार्टमेंट में डी के लिए, जनरल के लिए 3 वैकेंसी, ओबीसी के लिए एक भी नहीं। फिर आपको सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों, वो है डिपार्टमेंट ऑफ सीबीडीटी, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। इसमें स्टेनोग्राफर के लिए जनरल के लिए 418, ओबीसी के लिए 134, एससी के लिए 84, एसटी के लिए 85, टोटल 681 एक सिंगल डिपार्टमेंट में वैकेंसी आया है। ऐसे ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट है, जैसे सीबीएसई डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में 49 फॉर जनरल, 16 ओबीसी के लिए, 12 एससी और 7 एसटी के लिए आए हैं। इस तरह से बहुत सारे डिपार्टमेंट, जैसे शुरू से मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए इतने सारी वैकेंसी उन्होंने रिलीज हुई है कल रात को। तो सबसे पहले एक खबर आपको तैयारी गवर्नमेंट जॉब के माध्यम से दिया जा रहा है। ग्रेड सी की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा ग्रेड सी में वैकेंसी देने वाला भी सी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ही है। जैसे 198 जनरल, 88 ओबीसी के लिए दिया है। और ग्रेड डी की बात करें तो ग्रेड डी में आपका, उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ही, सीबीईसी। उसके बाद बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो कुछ कुछ वैकेंसियाँ दी हैं, किसी में 10, किसी में 8, इस तरह से टोटल मिलाकर टोटल वैकेंसी यहाँ पे दिखाया जा रहा है। जनरल कैटेगरी के लिए 765, ओबीसी के लिए 266 और एससी एसटी के लिए 155 90, टोटल 1276। तो ये जानकारी आपको तैयारी गवर्नमेंट जॉब के माध्यम से प्रोवाइड किया जा रहा है, जो एसएससी ने हाल फिलहाल में ही अपना स्टेनोग्राफर 2017-18 का वैकेंसी इंक्रीज किया उसके बारे में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग आप लोग के सामने आएंगे नए अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।